राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में स्थित एशिया के सबसे बड़े इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह बुधवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके उपस्थित थी। कार्यक्रम में राज्यपाल सुश्री उइके ने बॉलीवुड सिंगर पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति, हिंदुस्तानी संगीत के शास्त्रीय गायक पंडित विद्याधर व्यास, कथक नृत्यांगना पद्मश्री उमा शर्मा, जस गीत गायक दिलीप षडंगी को डीलिट की मानक उपाधि से सम्मानित कर छात्र छात्राओं को पदक व उपाधि वितरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि देश के नामचीन कलाकारों को उन्होंने सम्मानित किया। उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने विश्वविद्यालय से समस्त छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां, अपनी ख्याति प्राप्त की है और पद्मश्री और पद्म विभूषण से जिन्हें नवाजा गया, वास्तव में मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। आप जैसी हस्तियों से हम नाम सुना करते थे, आपका संगीत देखते थे, सुनते थे और कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि जीवन में कभी ऐसा भी मौका आएगा मेरे जीवन में कि आप जैसे ऐसे महान कलाकारों का मेरे हाथों से आपका सम्मान होगा। ये मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपका इस इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की ओर से कोटि कोटि आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कुलाधिपति मोक्षा ममता चंद्रकर जी को। आपने पता नहीं देश के ऐसे ख्याति प्राप्त किए हुए ऐसी हस्तियों को आपने मानद डीलिट की उपाधि के लिए चुना और मैं समझती हूँ कि आप सभी ने हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने आज डिप्लोमा प्राप्त किया है, डिग्रियां दिया है और जिन्होंने आज गोल्ड मेडल लिया है, मुझे लगता है कि उनको देखकर आपको बहुत प्रेरणा भी मिली और उन्होंने जो बात कही कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। और ये बात सत्य है कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में कर्म करते हैं, कहते हैं कि अच्छा कर्म करते हैं वही अच्छा फल भी उसको मिलता है। तो बिना फल के जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर कार्य और अपने किसी भी जो क्षेत्र में आपने आज जो पीएचडी ली है, विभिन्न जो उपाधियां और गोल्ड मेडल भी लिया है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। उन तमाम छात्र छात्राओं को मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ।